अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हो गया हूँ, बच्चे भी माशाल्लाह ठीक हो गए हैं, सारे आज स्कूल में गए हुए हैं। इब्राहिम भी, हरीम भी, ये उमर भी ठीक हुआ हुआ है। ये बिलाल ने तंग किया था, सुबह सुबह बुलबुले लेके आए, तंग करने लगा। खाने वाली चीज़ कोई भी नहीं ले रहा, बुलबुले लेके बड़ा खुश हो रहे हैं। अभी तक जो है ना, वो मुझे मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तबीयत वैसे ठीक हो गई है, लेकिन रेशा जो है वो यहाँ पर जम गया। अब मैं जो है ना, वो विक्स की गर्म पानी में भाप लेने लगूँ, ताकि मेरा ये रास्ता तो खुले। सुबह से जो है ना, वो मैं इसी चीज़ से आवाज़ार हुआ हूँ कि मेडिसिन खा रहा हूँ ना, तो वो रेशा जो है वो जलने के बजाय रुक गया है। तो रुकना नहीं चाहिए था, निकलना चाहिए था। आप लोग भी सोचते ना, क्या गंदी बातें करने लगा मैं, लेकिन जो चीज़ नेचुरल है वो तो है। अब इसको मैं साइड पे तो कर नहीं सकता। अभी जो है वो कपड़ा लेके, वो लेके ना टावल और भाप लेते हैं। ये देखें, ये पानी रख दिया है, ये अब गर्म होगा। इसके बाद इसको इसके अंदर डालेंगे विक्स। बिलाल ये क्या है? पानी। फिर मैं टावल लेके भाप लूँगा। अभी टाइम हो चुका है भाप लेने का, तो ये सबसे अच्छा काम है वाम डाल के। आ जाओ, चप्पल देना है। बड़ा मजा आ रहा है, स्कूल के साथ सारी ठंडी ठंडी। कैसा लग रहा हूँ? भाप ले रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी होती है। आप लोग भी घर में लिया करो बाम डाल के, अभी ना बाम के भी गर्म पानी की भाप, इन इस मौसम में बड़ा अच्छा है। आज जो है ना, वो कुछ भी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा। खजूर है, खजूर खाते हैं, साथ चाय बनवा रहा हूँ, फीकी चाय। अभी तक ना तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, मैं भाप भी ले ली है और रोटी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो सोचा ये भाप जो है, भाप ली है, इसके बाद चाय वगैरह पी लेता हूँ, खजूर खा लेता हूँ। दो खजूरें खाऊँ ना तो एक रोटी बन जाती है पूरी। तो अब ये खा के नाश्ता करके निकलता हूँ। मैं ड्यूटी पे आ तो गया हूँ, जा रहा हूँ ये पेट्रोल पंप पे खड़े में पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन अब जाके जो है वो पता चलेगा कि मुझसे काम हो भी रहा है या नहीं। मेरी आवाज़ चेंज हुई हुई है पूरी। अभी जो है ना, वो नाश्ता नहीं किया, ऑफिस जाके चाय मंगवाता हूँ, मंगवा के साथ कोई बिस्किट वगैरह केक वगैरह खाता हूँ, फिर एक खुराक बनवा के ना वो लेके जाता हूँ अभी जाते हुए मेडिकल स्टोर से ना। मतलब सर दर्द की नीम्स और वो दी थी कल कैरिसेफ, तो मेरा ही रहता है वही दोनों ले जाऊँ, क्योंकि उसने कल बड़ा मुझे स्कूल दिया था। तो आज जो है ना, वो अभी दोबारा वही लेके जाता हूँ, खाऊँगा, हो सकता है शाम तक स्कूल हो जाए। मेरा चेहरा देख के आप लोगों को लग रहा हो कितना अजीब लग रहा है। ऑफिस आते ही ना मैं चेयर बाहर निकाल के बैठ गया, थोड़ी सी सनलाइट लेंगे ना, धूप लूँगा, तो हो सकता है स्कूल हो जाए। बुखार हो रहा है दोबारा से मुझे ना, तो बेहतर यही है थोड़ी देर धूप लेता हूँ, इसका भी बड़ा फ़ायदा होता है मेरा ख्याल है ना। तो उम्मीद तो है ठीक हो जाएगा, नाश्ता करके नहीं आया था, वरना भी कोई मेडिसिन ले लेता। सोच ही जा रहा हूँ क्या करूँ। अभी करते हैं थोड़ी देर में, कोई चीज़ खाता हूँ यहाँ से लेके, उसके बाद जो है वो दवाई खाऊँगा। तो भाई कोई सुकून नहीं आ रहा, कोई जो है ना वो आराम नहीं आ रहा, बल्कि बुखार तेज़ हो रहा है। तो अभी पैनाडोल की दो गोलियाँ लेने लगूँ, इसके बाद जो है वो शाम को कैरिसेप लूँगा, ताकि बुखार ना हो। इसके लिए पैनाडोल, डॉक्टर ने भी यही बोला है, पैनाडोल ही खाओ और कोई मेडिसिन नहीं खानी। तो इसलिए मैं पैनाडोल ले रहा हूँ, मजबूरी क्या करूँ। गर्म पानी ये साथ लिया, धुआं निकल रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, गर्म गर्म पानी से। मैं भी नहीं बाहर आता था ठंडे पानी से, अब मैं पी रहा हूँ गर्म पानी। अभी मैं मंगवाऊँगा, मेरा कोई कसूर नहीं। अभी मैं मंगवाऊँगा चाय, चाय पीते हैं सुकून से, हो सकते हैं ना मैं जल्दी जल्दी। आप लोग दुआ करो यार, ढेर सारी दुआ करो। ये मैं बीमार हो गया ना, मेरी हालत देख रहे हो, आज मैं नहाया नहीं हूँ, तो बाल कैसे लग रहे हैं मेरे, इसलिए मैं डेली नहाता हूँ। बुखार की वजह से नहीं नहाया, कह रहे थे वो सर्दी की वजह से हुआ हुआ, सर्दी की वजह से नहाओ मत। वही लगता है जो लगातार नहाता रहा ना, उसका आज जो है वो मुझे सबक मिल रहा है। खैर अभी खाते हैं थोड़ी देर में मेडिसिन पकाया भी और चाय पीते हैं। घर से आ रहे हैं चावल, जो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम में चावल जो है वो डॉक्टर बोलता है ज़हर है। मैं नान टिक्की खा के आता हूँ। नान टिक्की जो है ना,
वो मुझे अच्छी लग रही, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया सुबह से, आके गोलियाँ खाई हैं, दो चार खजूरें खा गया था और चाय पी है। अब नानटिक्की का रोल बनवा के वो खाऊँगा। बॉस कहते तेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना मैं लेने चले जाता हूँ। खुद जा रहे हैं खाना लेने के लिए, मैं बाइक लेने आ गया था इधर से, बाइक लेके उनको दूंगा, वो चले जाएंगे। मैं वो नानटिक्की अपनी ले आया था, छुपा के ले गया हूँ अपने लाल अपर में, क्योंकि अरसलान है ना ये बहुत चालू है मेरे से, ये कहता है तू नानटिक्की बहुत खाता है, तो मैंने इसलिए उसके सामने दिखाने था ना, मैंने अपर में छुपा ली थी। अभी वो गया घर पर खाना लेने के लिए, तो खैर वो मेरा ब्लॉग देखता नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने नानटिक्की खाई है। उसका बेटा ज़रूर देखता है रेहान, वो ना कहीं बता दे। वो मुझे कहता घर से जो अच्छी चीज़ आ रही है खाने के लिए तो फिर तू नानटिक्की क्यों खा रहा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं नानटिक्की खाता हूँ। चावल आ रहे हैं यार घर से, चावल खाने को बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, उसके सामने थोड़े से खाऊंगा ताकि उसको ये ना हो कि मैंने नानटिक्की खाई है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, अपर नमा अपर पा के शोका नहीं हो गया, नहीं शोका नहीं होया। मैं ना जा रहा हूँ अब्बू जी का वैक्सीनेशन कार्ड बनवाने के लिए, अब्बू जी ने वैक्सीन लगवा ली थी ना, उसका जो कार्ड बनता है ना वो यहाँ पे हमारे शॉप है, तो अब्बू जी ने मुझे सुबह से बोला था और मुझे कॉल भी कर दिया कि यार तू गया नहीं वैक्सीन कार्ड बनवाने, तो मैं गया था पता करके आया था दो जगह पर। अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ, उसका टाइम नहीं था, टाइम कम था, अब मैं जा रहा हूँ बनवाने के लिए उनका कार्ड, देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है कार्ड बनने में। वैसे तो फॉर्म भी चल जाना था लेकिन कहते मुझे कार्ड बनवा के दे, मैंने पॉकेट में रखना है, तो कार्ड अच्छा है क्योंकि उनकी एज है ना 14 फरवरी से, वैसे भी जो है वो काफ़ी मसले बनने वाले हैं, मतलब कि कार्ड के बगैर, वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर जो है ना वो कोई सफ़र भी नहीं कर सकते, तो बेहतर है अबू जी के लिए कार्ड बनवा दें ताकि वो रिलैक्स होकर कहीं भी आ जा सके। चल जा रहा हूँ मैं इधर पास में ही मार्केट में, आप लोग बताओ अपर कैसा लग रहा है मुझे जैकेट। तो कार्ड बनने के लिए मैंने दे दिया, वह बैठा हुआ इंतज़ार कर लो, देखो कितनी देर में बनता है, 10 से 15 मिनट के टाइम दिए। तो फाइनली अबू जी का कार्ड बन चुका है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये कार्ड बना है, मतलब पिक्चर अबू जी के ऊपर लगी हुई है, ये ऊपर इसके पेपर लगा हुआ है, ये उतरेगा तो नीचे से फ्रेश निकलेगा, मतलब चमकता हुआ। ये दो किस्म के कार्ड बन रहे थे, एक थोड़ा सा नरम सा था और ये हार्ड कार्ड था, मतलब जैसे आईडी कार्ड होता है, तो ये स्क्रैचलेस भी है, इस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अब अबू जी जो है ना वो इसको पॉकेट में लेके कहीं भी जा सकते हैं, मतलब कोई उनको टेंशन नहीं होगी, सफ़र भी कर सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी जाना हो उनके लिए अब कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। चलो ये एक उन्होंने मुझे बोला हुआ था, ये मसला भी थोड़ा हल हो गया उनके लिए, उसने बोला था 10 मिनट में बनेगा लेकिन उसने आधा पौना घंटा लगा दिया, मैं ड्यूटी से गया था, टाइम काफ़ी लगा दिया उसने, जिसने बनाना था वो आगे नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था इसलिए टाइम लग गया। अभी वापस जा रहा हूँ ऑफिस, दिल कर रहा है पहले कि छुट्टी लेके आज भी घर चला जाऊँ, पर रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता यार, अभी काफ़ी जो है ना वो तबीयत बेहतर है, तो चलते हैं दूसरी शॉप पर, वहाँ पर जाके आज कपड़ों वाले पार्सल निकालते हैं जल्दी और फिर घर आ जाते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं दोबारा गया था दवाई लेने के लिए, मेडिसिन लेकर आया हूँ, वो मैं दिखाया ही नहीं आपको, तो वो मेडिसिन लेकर आके वो मैं खा चुका, ऊपर से चाय भी पी, अब जो है वो काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ अपने आप को। बस जो है ना वो नाक एक साइड का बंद है और एक साइड से जो है ना वो चल रहा है। मैं घर पे आया हूँ तो इब्राहिम को जो है ना वो अभी भी बुखार है, सुबह से स्कूल से आया हुआ है, इसको दोबारा बुखार हो गया, मतलब इसका बुखार भी नहीं उतरा और मेरा भी, मेरी भी तबीयत अभी तक नासाज़ी है। तो आज के ब्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मज़ीद जो है वो हिम्मत नहीं हो रही, सोएंगे आप सुकून से मेडिसिन खा के, शक्ल से ही पता लग रहा है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।